हेलो कृति। अच्छा, तेरे पास एक क्राफ्ट किट है और तूने बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाए हैं। वॉल हैंगिंग? अच्छा, पेन होल्डर भी बनाया? हाँ, मेरे पास भी है ना। मेरे पापा तो बड़े बड़े कार्डबोर्ड के क्राफ्ट्स बनाते हैं, तू तो छोटा छोटा बनाती है ना। हाँ नहीं, ये तो क्या हो गया, मंगा सकती हूँ? हाँ, मेरे पापा जरूर सुनेंगे। अच्छा, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। ये कृति भी ना कितनी गंदी है। मुझे भी वैसे एक क्राफ्ट किट चाहिए। पापा ने आज तक कितने बड़े बड़े क्राफ्ट बनाए हैं, जैसे कि फ्रिज, डॉल हाउस, सैंडविच मेकर सेट और एक बड़ा सा किचन, डॉल हाउस, सब कुछ बनाया है। पर एक ड्रेसिंग टेबल भी बनाया है। बट मुझे छोटे छोटे क्राफ्ट बनाने, जैसे कि वॉल हैंगिंग, पेन होल्डर, बहुत सारे कार्ड, कुछ वैसे जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें तो लगता है कि वो बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स बनाएंगे, मैं बहुत खुश रहूंगी। पर मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं छोटा भी कार्डबोर्ड्स करूं, है कि नहीं? एक काम करती हूँ, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, पहले पापा को कॉल लगाती हूँ। हेलो पापा। हेलो पापा। हेलो। हाँ पापा। क्या बात है बेटा? पापा मुझे ना एक क्राफ्ट किट चाहिए। क्राफ्ट किट? हाँ, क्राफ्ट किट। आप ऑनलाइन में मैंने आपको भिजवा दिया व्हाट्सएप पे, आप उसको लिंक को क्लिक करके मंगा लो मेरे लिए। अभी? हाँ अभी, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास है। ठीक है ठीक है, देखता हूँ। देखता नहीं, आप बनाएंगे पक्का। ओके ओके, जल्दी मंगाइए। ठीक है, बाय बाय। यस, फाइनली मेरा आ जाएगा। ये क्राफ्ट किट कितना मस्त है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें भी तो है। चोर खोलते हैं। सरप्राइज। वाओ, ये वही क्राफ्ट किट है ना जो मैंने ऑनलाइन में देखा था? ये ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल था क्या? वाओ, ये वही सच ऑनलाइन से तो जल्दी कैसे आ गया? थैंक यू, ये तो सेम टू सेम वैसे ही है। वाओ, आजकल तो ऑनलाइन से ऑफलाइन मार्केट में ही मिलता है। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं अभी अनबॉक्स करूंगी, फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। जल्दी से तो ओपन करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। आपने जो अभी एक स्टोरी देखा ना, कुछ इसी तरह से मुझे ये 22 पीसेस का क्राफ्ट किट मिला और सरप्राइजिंगली मुझे ये ऑफलाइन में ही मिल गया, सेम टू सेम। और वैसे भी पापा ने कंपेयर किया कि मिलता है या फिर नहीं, और सच्ची सच्ची मैंने दिखाया पूरा स्टोरी एकदम ट्रूली, और फाइनली मुझे ये क्राफ्ट किट मिल गया। और मैं बहुत हैप्पी थी जब पापा ये लेके आ गए मेरे पास, और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इसके अंदर यार 22 क्राफ्ट होते हैं, और इसके अंदर हम लोग जो चाहे वो बना सकते हैं। और मेरा भी मन कर रहा था, और आई कैन रिलेट विद इट क्योंकि मैंने फ्रेंड्स का ही सुन के, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फ्रेंड का सुनती हूँ कि तू ये लाई है, मैं भी लाऊंगी। लाइक इट्स अ बैड हैबिट, आई नो दैट, बट मेरा मन करने लगता है। पर पापा को मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, बाद में सुने वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैंने बोला पापा को, पापा ने बहुत सोचा एंड देन ही ऑर्डर्ड। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको भी ऐसी क्राफ्ट किट चाहिए बट आपके ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल रहा है, सो डोंट वरी, हमारे पास Amazon और Flipkart और जितने भी वेबसाइट्स हैं आप मंगा सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप क्लिक करके वहां पे मंगा सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स अनबॉक्स इट। चलो फ्रेंड्स, इसमें एक एक चीज करके निकालते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। ये क्या है? ये फोम, ये देखो फोम। मुझे आवाज सुनो, वापस आप सुनो। छूने के बाद, और ना मैं बहुत जगह से देखती हूँ कि, पहले बताओ एक चीज आपको बताऊं, जब मेरे पास एक क्राफ्ट का सामान नहीं था ना, मैं ऐसे सब सामान कहाँ पाया करती थी बताऊं? मम्मी जो लेके आती थी वो डीमार्ट के स्टिकर्स जो लेके आती थी वो मम्मी, और जो मम्मी जो दुपट्टा पहनती थी ना उसमें ऐसे हुआ करते थे, तो उसमें से ना मम्मी का छुपके छुपके से एक एक निकालती थी और मेरे पास रख देती थी। और मेरे पास जो हेयर क्लिप थे ना छोटे से, उससे भी निकाल के मैं रखती थी। ऐसे टाइप के हेयर क्लिप जो मेरे रहते थे ना, ये निकाल के मैं रख देती थी जो भी मेरा, इससे मेरा नुकसान भी जाता था और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ मिला भी करता था। तो यही था मेरा सहारा, और इससे मैं प्रोजेक्ट बनाया करती, मतलब ये मेरा रियल स्टोरी, ठीक है, मैं फेक नहीं कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इसमें ब्लू कलर, मतलब बहुत सारे कलर्स है यार, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइंड भी है। अब नेक्स्ट निकालते हैं। वाओ, ये क्या है भाई? अरे हाँ, ये तो हमारा है कलर, वाटर कलर। इसके अंदर ब्रश आता है, ब्रश भी है, ये देखो ब्रश के साथ हमें वाटर कलर मिला है। मैं निकालूंगी ना, एक बार निकालने के बाद ये अच्छे से बंद नहीं होता है। तो ये है व्हाइट कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो और ब्लैक, ये पूरे कलर्स के साथ हमें मिल रहा है यहाँ पर।
और ये कैसे खुलता है? ओके, मैं दोनों खोल रही थी. कितना मस्त है ना. और ये देखो, ये हमने इस जोकर ने हमको ये दिया है. सिक्स शेड्स हैं हमारे पास, तो जल्दी से इसको रख लेते हैं. नेक्स्ट, आई कैची यार, ये तो क्यूट कैची है. आज तक मैं बड़े बड़े कैची यूज करती थी, छोटे छोटे भी कैची मिलते हैं. वाओ यार, ये सब चीजों को देख के लग रहा है कि मैं और मंगाऊं. सच में बिल्कुल नहीं मिलेगा. क्यों? एक हो गया ना, बस उसमें खुश रहो. सो फ्रेंड्स, ये देखो मैं लेके आऊंगी आपके आपके हाथ में. अगर आप इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे तो मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा. कुछ नहीं पापा, मैं अभी अनबॉक्स करती हूं. तो देखो, इसके अंदर मुझे मिला है सो येलो कलर का. अगर पिंक कलर का होता तो भी अच्छा होता. देखो मेरा गेटअप पूरा पिंक 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 हूं मैं. जस्ट ऐसे रिंग्स और इसको छोड़ के बाकी सब पिंक है. और ये देखो, मेरे पास एक कैची है और यहाँ पे लिखा है. आपको पता है फ्रेंड्स, हम छोटे वक्त में जब हमारे जो टीचर्स हमको डांटते थे कि सीजर से हाथ नहीं लगाते, कट जाता है, वो मैं छोटे वक्त में सुना करती थी. पर अभी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को, बच्चा सीजर्स लेके आना, हम क्राफ्ट करेंगे. चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर्स. ये है फोम फ्लावर्स. यार मेरे को याद आया, मम्मा के हेयर क्लिप के ऊपर लगा हुआ रहता था, मैं कैसे निकाला करती थी. ओके लेट्स रिमूव. वाओ, मुझे बताना आप ऐसे वाले फ्लावर्स कहाँ कहाँ देखते हो. मैंने फुलदस्ता में देखा था, फेक आर्टिफिशियल फ्लावर्स में देखा था, मामा के हेयर क्लिप में देखा था, बस इसमें मैंने देखा था. कभी ओडनी आउटफिट्स में मैंने कभी नहीं देखा है. नेक्स्ट ओपन करते हैं. हमारे पास आया है ये रिसी. आई थिंक ये हमें इसके लिए दिया होगा, वॉल हैंगिंग के लिए ऐसा कुछ. अच्छा मैं पहले ये निकाल देती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है. मुझे दिखा था ये देखो, ये हमें मिला है 21 in 1 क्राफ्ट किट. तो इसमें हमें बताया गया कि हमें 22 क्राफ्ट्स की चीजें मिलते हैं. एंड यहाँ पे हमें बात क्रिएटिव आइडियाज ऑफ मैनुअल. अगर आपको कुछ ज्यादा, यहाँ पे तो हमें 6 to 10 हमें यहाँ पे आइडियाज देगा, 6 to 4 आइडियाज दिया गया है. पर अगर आपको ज्यादा आइडियाज चाहिए कि आप 22 के 22 क्राफ्ट्स आपको जानना है, इसे कैसे बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो. तो वो तो मैं बाद में देख लूंगी. और फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो मैं इसे अनबॉक्स करूंगी. अगर आपको इसमें से कोई भी क्राफ्ट देखना है कि मैं आपको अगर बनाते देखना है तो मुझे जरूर बताना. ये देखो आप देख सकते हो क्राफ्ट. अगर आपको लगता है कि मैं बनाऊंगी क्राफ्ट तो मुझे जल्दी से बताना कमेंट्स में. तो जल्दी से निकालते हैं. नेक्स्ट, अब मैं समझ गई थी कि इसके अंदर बहुत चीजें दिखाया गया है. नेक्स्ट हमें मिला है ये रस्सी. ये देखो, ये वाओ कितना क्यूट है यार. ये देखो, ये ब्राउन है, ये ऑरेंज है, और ये देखो मुझे ना ये इधर मिला करता था, जो ऐसे फ्रूट्स बांधने के लिए वो रस्सी नहीं बांधा करते थे अंकल, हाँ वैसे उसमें पाया जाता था. और वो जो खटिया नहीं होता, वो हमारे वो वॉचमैन मामा है ना, उनका मैं देखती थी. मुझे ना हमेशा डर लगता था कि इस खटिया में बैठने के बाद मैं गिर तो नहीं जाऊंगी ना, वैसे गिरेगा तो नहीं कोई भी. तो और देखो ये, और इसके अंदर ना ये प्रेजेंट था, ये टूटता तो नहीं है ना भाई. टूटता नहीं है ना, समझते ना. वॉल हैंगिंग के लिए देखो, ऐसा वाला वॉल हैंगिंग. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें मिला है सेलो टेप. यार ये सेलो टेप बहुत मस्त है. इसके अंदर तो फोम वाले डिजाइन किया गए हैं, छोटे 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 क्यूट क्यूट स्टार फोम लगाया गया है. यार हमें ऐसे एक क्यों दिया है, 3 देना चाहिए ना, थोड़ा 3-4 देना चाहिए अलग अलग टाइप्स का. ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो पैसे भी इतना लो और ऊपर से इतना कम चीज. अच्छा माना तुम रेयरली हमको देते हो, बहुत रेयरली मिलता है सब चीजें, बट यार देना चाहिए ना. बाद में हमें मिला है ये स्ट्रॉज. ये है हार्ड स्ट्रॉज. अच्छा स्ट्रॉज भी क्राफ्ट करते सकते हैं, तो मुझे अभी पता चला. वैसे पापा यूज करते हैं ऐसे वाली चीजें, पता चला ये बेस्ट. ओके चलो ठीक है, मैं मुंह में डालने वाली हूँ. मैं ये पेपर स्ट्रॉज है, मुझे पता है इसे जूस पीने के लिए यूज करते हैं, बट इट्स नॉट हाइजीनिक, इट्स ओनली फॉर क्राफ्ट. ओके तो चलो इसको रख देते हैं, जब हम लोग ओपन करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्केच पेन. ये क्या है आप, मतलब ये अब मैंने देखा था वहां पर 12 to 16 ईयर्स देखा था. 16 ईयर्स के बच्चे 10 रुपए का छोटा वाला पैकेट यूज करेंगे स्केच पेंस. बड़ा वाला चाहिए ना स्केच पेंस, मुझे थोड़ा अच्छा वाला खासा वाला. मैंने देखा था वेबसाइट में, इतने बड़े बड़े दिखाए थे उन्होंने, पापा जो चेक कर रहे थे, पर दुकान वालों ने चेंज तो नहीं कर दिया ना. नेक्स्ट हमारे पास है ये स्टिक्स. हो मुझे याद आया, पापा आपने मुझे कभी चॉपस्टिक्स नहीं दिया ना. ये देखो, मुझे यूज करना नहीं आता, पर कोई बात नहीं ना, ऐसे खाते ना कुछ. नेक्स्ट 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 क्या है, ये क्या है, 10 रुपए का ग्लू दिलवा दिया मुझे. इससे अच्छा तो पापा के पास 40 रुपीज का बड़ा वाला ग्लू का बॉटल है. ये देखो छोटा वाला ग्लू दे दिया इन्होंने. यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दिस टू थिंग्स. नेक्स्ट ओपन करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ये मिरर थिंग्स. तो छोटे छोटे मिरर्स, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ. आपको पता है वो चनिया चोली जो भी रहता है ऐसे गरबा खेलते समय यूज करते हैं, उसके ऊपर ये मिरर बहुत काम आता है. ओढ़नी में मम्मा का, उसमें मैं कभी कभी निकाला करती थी और इसे लेके क्राफ्ट में यूज करती थी. मुझे कभी पता नहीं चलता था कि इसे क्राफ्ट में भी यूज करते हैं बोल के. मुझे लगता था मैं ये एक बेवकूफ हूँ जो इसे लेके यूज करती हूँ, और मम्मी मेरे को जो डांटती थी मुझको, बाप रे बाप. और यहाँ पे हमें छोटे 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 क्यूट क्यूट चीजें मिले हैं. ये देखो, ये ब्लैक कलर के बीट, छोटे 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 ये ट्रांसपेरेंट बीट से बहुत चमकता है, पता है, ये बहुत क्यूट है. नेक्स्ट हमें मिला है ओके
हाँ आई नो दिस इज अ स्ट्रिंग और ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है. मैं इसे निकाल सकती हूँ. हाँ मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ. मुझे इसे फिर से बंद नहीं कर पाऊंगी तो कोई बात नहीं. और यहाँ पे ना बहुत सारे मिले हैं. ये मुझे पता है इसे क्राफ्ट में यूज करते हैं. हम इसे कौन सा भी शेप में ला सकते हैं. ये देखो ऐसे 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 कुछ भी शेप में आप ला सकते हो. तो ये भाई मुझे बहुत अच्छा लगा. ये व्हाइट कलर बहुत क्यूट है. नेक्स्ट ओपन करते हैं. नेक्स्ट हमें मिला है ये पॉपस्टिकल का स्टिक. एक फनी चीज बताओ मेरे बचपन में क्या हुआ था. मैं ना हमेशा इसको बोला करती थी स्टिक वाला आइसक्रीम अंकल, स्टिक वाला आइसक्रीम. एंड आई वाज अराउंड 8 to 10 इयर्स ओल्ड. एंड आफ्टर व्हेन आई टर्न 12 इयर्स ओल्ड मुझे तब अंडरस्टैंड हुआ कि इसे स्टिक वाला आइसक्रीम इसे पॉपस्टिकल्स बोलते हैं. तो देन मैंने ये इसे पॉपस्टिकल्स बोलना स्टार्ट किया. तो ये पॉपस्टिकल के स्टिक्स हैं. एक कलरफुल और एक नॉन कलर हमें मिला. देखो मुझे कलरफुल वाला ज्यादा क्यूट लगा. इसको बहुत अच्छे से कलर किया इन्होंने इसलिए मैं इसका वाटर टेस्ट करूंगी जरूर कि जाता या फिर नहीं इसका कलर. नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे कुछ ग्लिटर. तो देखो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से. फर्स्ट हमें मिला है यहाँ पे 2 bottles ऑफ ग्लिटर. पहले तो एक रेड कलर का मिला है. नेक्स्ट हमें मिला है ये एक स्टार. ये देखो दिख रहा है ना मून स्टार उसका ग्लिटर मिला है. सीक्वेंस भी बोल सकते हैं इसे सीक्वेंस और इसे ग्लिटर आई थिंक. हाँ ऐसे बोलता है और ये बहुत क्यूट है. कम से कम और 2 दे देते तो क्या बिगड़ जाता. बस 2 ही इन्होंने दिया. बस 2 दिया ना सबका. और हाँ सेलो टेप का तो हद हो गया उसमें तो बस 1 ही दिया. कहाँ गया. बाद में मिला है गुगली आईज. साइको ना बहुत प्रोजेक्ट में बोलते थे कि आप टेडी बनाओगे ना गुगली टेडी बनाना गुगली सॉक्स बनाना ये क्या क्या बताते थे. और देखो यार ऐसा तो नहीं होगा कि मम्मी मेरा सब ले जाएगी बोलेगी कि साइकिल चाहिए तेरा भाई ये दे दे सब. यार मुझे नहीं देना. नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे छोटी 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 बीड्स. यार ऐसे वाले बीड्स थोड़े ज्यादा देना चाहिए है ना. बस 1 ही पैकेट ऑफ बीड्स एक ही कलर का. नो दिस इज नॉट गुड. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट ये हमारा लास्ट है बट नॉट लीस्ट. ओह दिस इज वेरी अमेजिंग. लेट मी शो यू गाइस. मुझे बहुत अच्छा लगा. वाओ ये बहुत चमक रहा है ना. ओह कितना मस्त है. आ वाओ डिजाइन पेपर्स. वाओ लियोपार्ड कब से ग्रीन होने लगा है. ये देखो मुझे तो ये लियोपार्ड का कलर लगा. ये देखो और ये हमें मिला है कितने डिजाइनिंग पेपर्स. पापा देखो कितने क्यूट है ना. पापा और लाएंगे. हां बिल्कुल नहीं. अच्छा ठीक है मैं लेके आ जाऊंगी. पहले इसका जो चीज दिया ना वो पहले आप सीख लो और अपना फ्रेंड्स को भी आप सिखाओ. मैं क्यों दिखाऊं फ्रेंड्स को. अच्छा अब मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स जो वो तो मेरे फैमिली मेंबर है. बाद में देखेंगे. और देखो मेरे पास मुझे बहुत सारे A4 साइज के पेपर्स मिले हैं. नहीं इसे खराब नहीं करने दूंगी. बाद में मिला है ग्लिटर पेपर ब्लैक ब्लू. पापा बस 2 ग्लिटर पेपर मिला. पापा और लेके आएंगे ना प्लीज. मेरे को और भी क्राफ्ट का चीज चाहिए. ओके लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हमें मिला है थैंक यू वाला. लव्ड योर लव्ड आवर प्रोडक्ट. प्लीज डू रेट एंड रिव्यू योर प्रोडक्ट. योर ऑनेस्ट फीडबैक हेल्प अस इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स. ओके आई विल गिव माई ऑनेस्ट रिव्यू. आई वॉन्ट टू गिव उनका 5 star है ना तो मैं बस 3 star ही देना चाहूंगी. बिकॉज उन्होंने बहुत कम सामान दिया है. ठीक है अलग अलग टाइप का सामान दिया है पर ये ऐसा लग रहा है कि जल्दी खत्म हो जाएगा. जितना रुपीज लिया है उतना तो लग नहीं रहा है. तो इसलिए आई विल गिव ओनली 3 stars ऑन दिस. और उन्होंने देखो ऐसे ग्लू बस 10 rupees का पकड़वा दिया. स्केच पेन्स भी अच्छे नहीं है. मतलब इतने पैसे लोगे और ऊपर से इतना इतना कम का दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना. और बस 1 ही कलर भी इसका ये मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं लगा. बट इट्स ओके यार जो हमें मिला है मुझे पता चला. और ग्लिटर पेपर भी बस 3 मतलब बस 2 ही दिया. अगर और चाहिए अगर हमें होगा तो आपको देना तो चाहिए ना थोड़ा ज्यादा. बट इट्स ऑल राइट आई विल गिव यू 3 stars. बट आई ऑल्सो लव दिस. ओके मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा. और सबसे क्यूट प्रोडक्ट है ये हमारा कैची. इसको तो मैं निकालना ही भूल गई. ये देखो नहीं इसको मैं करने भी नहीं वाली हूँ. तो आप सभी को मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. एंड या गाइस मुझे जरूर बताना कि आपको इसमें से मुझे कौन सा क्राफ्ट आप जरूर मैं आपको मुझे बनाते हुए देखना है. मुझे जरूर बताना. मैं तो ये पेन होल्डर बनाना चाहती हूँ. आपको तो पता है जैसे कि मेरा स्टडी टेबल है और मुझे वहां पे लगाने. और आपको जैसे कि पता है कि मैं स्टेशनरी आइटम्स कलेक्ट कर रही हूँ. और चलो फ्रेंड्स मैं आपको ना लगे आप ये भी बता देती हूँ कि मैं सब सामान कहाँ रखती हूँ. चलो पहले जल्दी से हम लोग इस बैग के अंदर डाल देते हैं और आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रखती हूँ सब सामान. स्टेशनरी आइटम्स आज से रखूंगी इस शेल्फ में. तो मैंने नीचे मेरे पूरे बुक्स सजा दिए हैं. और ये जो शेल्फ है इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पेपर्स और मेरे फेवरेट बुक्स रखे हैं और अनयूज्ड बुक्स रखे हैं जिसको मैं किसके लिए भी यूज कर पाऊंगी. और मेरे कुछ वीडियो आइडियाज के भी बुक्स इधर ही है. और अब मैं जो ये है इधर रखूंगी इधर रख दूंगी. और ये देखो
मैंने जो सजाया वाला है मैंने ये मेरे मिनी ब्लॉग में डिस्कवर किया था, पर अगर आपने नहीं देखा तो आप इधर देख सकते हो। ये देखो मेरे पास स्टैंप कार्ड्स है ये, और इधर ग्लू है, ये देखो मेरे 500 रुपए का ग्लू, और ये देखो मैंने यहाँ पे रखा है। दिस इज डन एंड होप यू एंजॉय माय टुडेस वीडियो। और फ्रेंड्स आपको एक चीज बताऊं, मैं आगे भी ना बहुत सारा स्टेशनरी आइटम्स कलेक्ट करूंगी। ये आई मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको स्टेशनरी किट अगर देखना है तो मुझे कमेंट्स में जल्दी बताइए, अगर ज्यादा लोग देखना चाहेंगे तो मैं वो स्टेशनरी किट भी लेके आऊंगी और फिर स्टेशनरी भी लेके आऊंगी। तो आप सबको मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।